नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला और वक्त है आज के स्पेशल शो FFF का। FFF यानी फ्लड, फियर एंड फ्यूरी। हमने कंधों पर बैठ के बच्चे निकाले। ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कुछ है, सारी मार्केट बंद है। पानी आया था ना सर, पानी ढुक गया है, बहुत तकलीफ में हम लोग, ऐसे भी घर चूता है। हर साल पानी आता है तो थोड़ा धीरे धीरे आता है, यही साल में ऐसा तूफान जैसे आता है ऐसा आ गया। आसमान से बरसती बूंदें गर्मी से राहत तो देती हैं, लेकिन कई इलाकों में आफत और मुसीबत का दूसरा नाम बनकर लगातार जनजीवन को चुनौती दे रही है। चुनौती भी ऐसी वैसी नहीं, लाखों लोगों के सामने प्राण बचाने का संकट, क्योंकि सैलाब जानलेवा बन चुका है। ।2024 में अगर देश का कोई सूबा सैलाब का सबसे मारक कहर झेल रहा है तो वो है असम। ब्रह्मपुत्र का पानी कई जिलों में तबाही बनकर घुस चुका है। सरकार खुद मान रही है कि 28 जिले सैलाब के संकट से जूझ रहे हैं। जानते हैं सैलाब के सितम से कितने लोग सहमे हैं? कम से कम 16,50,000 की आबादी असम में आसमानी आफत के हमले से प्रभावित हुई है। तस्वीरें खुद बता रही हैं हालात कितने खराब हो चुके हैं। घर के अंदर तो बस इतना होता है, कहीं कहीं पे इतना होता है, कहीं इतना होता है। जिसका थोड़ा ऊंचा भीटी है तो तर कमती होगा, जिसका डाउन में है तो इसका अंदर इतना होता है। मतलब कि सामान वगैरह ये सब अंदर, कोई फ्रिज व्रिज गोदरेज वगैरह सब अंदर रह जाता है। किसी किसी का उठाने डैमेज हो जाता है, अचानक पानी आ गया रात में, अचानक आ जाने से कैसे क्या करेगा, लोग अपना भागेगा ना सामान लेके भागेगा। नदी की घाटी में बसे होने की वजह से असम अमूमन हर साल ब्रह्मपुत्र का कोप झेलता है। इस बार भी मंजर सैलाबी है। जो कल तक अपने घरों में थे आज वो रिलीफ कैंप में है। जहां कल तक चहल पहल थी, मार्केट थी, अब वहां सिर्फ पानी है और ट्रांसपोर्ट के नाम पर है सिर्फ नाव। बारपेटा, गोलाघाट, हैलाकांडी, कामरूप और करीमगंज में तो हालात सबसे खराब हैं। यहाँ का 50% से ज्यादा हिस्सा डूब चुका है। जिले के जिले टापू बन चुके हैं और असम में तबाही का मीटर रोज बढ़ रहा है। 3-4 दिन हो गया और बहुत इमरजेंसी में फ्लड हुआ है। आदमी लोग सामान बचाने नहीं सके और खाने पीने का भी तकलीफ हो रहा, बहुत लोग का सामान बर्बाद हो गया। हमारा घर में भी पानी उठ, हर साल पानी आता है तो थोड़ा धीरे धीरे आता है, यही साल में ऐसा तूफान जैसे आता है ऐसा आ गया। एक दिन में माने कमर जैसे बुक तक पानी हो गया और पानी का तकलीफ यही है। बहुत आदमी का बहुत सामान तो पानी में चला गया का, पानी एक दिन में इतना पानी आ गया तो आदमी लोग को कोई माने धंधा ही नहीं है जब पानी इतना हो जाएगा। बहुत आदमी का बहुत सामान खराब हो गया, एक दिन में इतना पानी हो गया, बहुत तकलीफ हो रहा है। आदमी लोग ऐसा हो रहा है जो आदमी लोग का खाना पीना का चिंता करेगा ना, कोई सामान बचाने के लिए चिंता करेगा ना, कहाँ रहेगा, लड़का बच्चा लेकर कहाँ जाएगा, बहुत सामान तो सोर जाए आदमी लोग। इंसान तो इंसान, जानवर भी जून जुलाई की बारिश के आगे लाचार हैं, क्योंकि अब जंगल भी इनका ठिकाना नहीं रहा। हर ओर पानी ही पानी है, जाएं तो कहां जाएं। 100 सड़कें और 14 पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कनेक्टिविटी को भी बाढ़ ने डिस्टर्ब किया है। असम के पीएम हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य में हो रहे विनाश का सर्वेक्षण कर रहे हैं।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मंत्रियों को भी आदेश दिया है कि बाढ़ से त्रस्त आबादी को राहत और मदद पहुंचाई जाए। लेकिन जल कहर का असर नेशनल हेडलाइंस बनी हुई है। ये जो बाढ़ सारा आसाम में, इसके वजह से लाखों लोगों को काफ़ी नुकसान हुई है। बाढ़ पीड़ित जो लोगों के लिए सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से सही कदम उठाया गया है और जो भी रिलीफ मटेरियल उनके लिए ज़रूरी है वो भी विशेष रूप से देने के लिए सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं। और अगले दिनों में बाढ़ परिस्थिति का एक स्थायी हाल निकालने के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार प्रतिबद्ध है। असम सरकार का दावा है कि एक हफ्ते में हालात में सुधार दिखेगा और असम के 29 जिलों को फ्लड अटैक से राहत मिलेगी। हेमंता सरकार के मंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं। इन दौरों को सैलाब से चैलेंज मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में अत्यधिक बारिश के कारण से आसाम के कई जिले और कई गांव और बहुत बड़ी लाखों की तादाद में जनसंख्या इस बाढ़ के कारण से पीड़ित है। मैं सोचता हूं कि मुख्यमंत्री जी अलग क्षेत्र में गए, कुछ मंत्री अपने अपने क्षेत्र में गए, मैं भी आपके इस पूरा गांव को देखने के लिए, मुझे बताया कि ये बड़ा तगड़ा फ्लड इफेक्टेड है। लगभग 3,000 से लेकर 4,000 लोग केवल इन टेंट तंबू में रह रहे हैं, जिनके अच्छे मकान सामने हैं, लेकिन पानी के अंदर आ जाने से, कॉलेज अंदर आ जाने से, हॉस्पिटल पानी के अंदर है, स्कूल अंदर है, तो लोगों को जो परेशानी है वो इस डैम बनने से मैक्सिमम लोगों को तो रिलीफ मिल गया कि इस बाढ़ से वो बच गए। लेकिन फिर भी 250-300 परिवार ऐसे हैं जिनको आज भी इसके कारण से पानी की मार सहन करनी पड़ी और परिवार तर जाए। काजीरंगा नेशनल पार्क में 5 फीट तक पानी जमा हो चुका है। 233 वन शिविर में से करीब 180 पानी है। एक गैंडे समेत दर्जन भर जंगली जानवरों के मारे जाने की खबर है। 60 से ज्यादा जानवरों का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। एम्बुलेंस से लेकर स्कूल वैन और प्राइवेट व्हीकल से लेकर सरकारी ट्रांसपोर्ट तक, बारिश में घर से निकलना कई जिलों में दुभर हो चुका है। हाईटेक सिटी गुरुग्राम से लेकर पुल गिरने के कारण सुर्खियों में रहने वाला छपरा तक मौसम की मार के आगे आबादी सरेंडर कर चुकी है। कब किस सड़क पर आसमानी आफत का ट्रेलर दिख जाए कहा नहीं जा सकता। बारिश और सैलाब के आगे जिंदगी के सरेंडर की इससे हॉरर तस्वीर क्या होगी। जिंदगी और मौत के बीच खड़ी रहने वाली एम्बुलेंस खुद मझधार में है, ना आगे बढ़ सकती है ना ही पीछे जा सकती है। जब तक पानी नहीं उतरेगा, एक इंच खिसकने का इस एम्बुलेंस का सामर्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य के बाद शिक्षा की ओर चलते हैं। देखिए इस स्कूल बस को, चारों ओर से सैलाब से घिरी है। बच्चों को स्कूल और स्कूल से घर लाने में मदद करने वाली बस खुद मदद की राह देख रही है कि कोई आए और सैलाब से बचाए। स्कूल बस के अंदर बच्चे थे, सैलाब संकट से सामना होते ही चीखने चिल्लाने लगे। पानी बढ़ रहा था, धड़कने भी बढ़ रही थी। कुछ देर बाद नगर निगम के ट्रैक्टर की मदद से बच्चों का रेस्क्यू किया गया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र अदाला। नरेंद्र जी, अंदर पास में अभी बस फंसी हुई थी। जी सर। किस स्कूल की बस थी? राजीव इंटरनेशनल स्कूल। कैसे हुआ ये पूरा वाकया, किस तरह ये बस फंस गई, क्या था पूरा माजरा? सर, बच्चों को लेकर बस आ रही थी और अचानक से एकदम पानी आ चुका जी, तो बस वहाँ फंस गई। प्रशासन की कोई मदद नहीं। प्रशासन की? आपने फोन वगैरह किए थे? एक्चुअली सर, हमने कंधे पर बैठ के बच्चे निकाले आपके सामने जी। एक एक बच्चे को कंधे पर बैठ के ट्रैक्टर में बैठाया। कितने बच्चे थे अंदर? अंदर कम से कम बच्चे थे 10 या 12 थे। 10-12 बच्चे थे। अध्यापक भी थे? कोई 3 अध्यापक थे सर। ये
लेकिन एम्बुलेंस को बाहर निकालना इस ट्रैक्टर के बस की बात नहीं थी, इसलिए जेसीबी मशीन ने मोर्चा संभाला और कुछ इस तरह से एम्बुलेंस को निकाला गया। रेस्क्यू की यह हैरतअंगेज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो पश्चिम बंगाल के कलिंगपोंग की है। 2 जुलाई को कई स्कूली बच्चों की जान पर बनाई जब पहाड़ी नदी की तेज धार में यह स्कूली वाहन फंस गया। प्रचंड वेग ने स्कूली वाहन को ऐसे जकड़ा कि ड्राइवर भी खौफजदा हो गया। बच्चे रोने लगे, अनहोनी का डर सताने लगा। लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ और साहस से अनहोनी टली और बच्चों का रेस्क्यू किया गया। शिमला में दिन में ही रात कर देने वाली बारिश लोगों को डरा रही है। टूरिस्ट की पहली पसंद शिमला में एंटर करने से टूरिस्ट भी कतरा रहे हैं। वजह है ये मौसम और मौसम की वजह से होने वाले हादसे। लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने का सिलसिला जारी है। टॉलेंट फॉरेस्ट ऑफिस के नीचे एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है। पिछली बार इसी जगह पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, इसलिए पेड़ गिरा तो लोग घबरा गए। चमोली पुलिस की ओर से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ब्लॉक है क्योंकि लैंडस्लाइड से गिरा मलबा यहां ट्रैफिक में रोड़ा बनकर चुनौती दे रहा है। सड़क पर चट्टान को चीरती धार देखकर लग रहा है जैसे अचानक कहीं झरना फूट पड़ा है। ये सच है कि कुदरत के आगे इंसान और विज्ञान दोनों का जोर एक हद तक है, लेकिन ये भी सच है कि बड़े बड़े शहरों में हम अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पाए, वरना दिल्ली और गुरुग्राम एक दिन की बारिश में पानी पानी नहीं होते। नगर निगम और सिस्टम की पोल 2 घंटे की बारिश में नहीं खुलती।